लोगों ने न जाने क्या क्या बना डाला और हमसे एक छोटा सा कनेक्शन नहीं हो पा रहा। दोस्तों, इस वीडियो को देखने के बाद में आप लोगों को दूसरी वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो जैसा कि सबसे पहले हम जान लेते हैं कि इसमें ये जो 3-पिन सॉकेट है और दूसरा एक स्विच है जिसे हम बटन कहते हैं। 3-पिन सॉकेट में एक न्यूट्रल होता है, जो ये एन लिखा हुआ है, आप देख पा रहे होंगे बारीक सा, ये एन लिखा है मतलब न्यूट्रल, और ये लिखा है एल मतलब लाइन। लाइन मतलब ये जो दोनों तार आप देख रहे हैं, इसमें एक न्यूट्रल होगा और एक लाइन होगी जिसमें फेस आता है, जिसमें हम टेस्टर लगाते हैं तो लाइट जलती है। तो जिसमें लाइट जलती है वो हो गया हमारा लाइन मतलब फेस, जिसमें लाइट नहीं दिखाती है वो है न्यूट्रल। ठीक है, तो सबसे पहले हम ये बहुत ही सिंपल है, इसको हम एक कनेक्शन कर लेते हैं जिससे हमारा ये बोर्ड हो जाएगा। तो हम इसको वायर कटर की मदद से हम ऐसा इसको मापेंगे, ये जो L है L, और जो बटन में जो ऊपर वाला जो ये वाला सिरा है यहाँ तक का, और मैं इसको कट कर दूँगा। इजीली मैंने इसे कट कर लिया है और इसे हम इस टीपर की मदद से इसे छील लेंगे। ओके, और फिर हम इसको ये वाला आप देख रहे हैं जो L लिखा है लाइन, ठीक है, इसे मैं ढीला कर लिया हूँ। और दूसरा बटन में से एक ऊपर वाला इसको ढीला कर लिया हूँ। तो सबसे पहले जो L का है L में हमें डाल लेना है, ओके, और इसे टाइट कर देना है। सिंपल है, बहुत आसान है। अब नहीं, जब तक नहीं मालूम है तब तक ये आपको मुश्किल लगेगा। हमने ये L में लगा लिया है, दूसरा ये बटन के ऊपर वाले सिरे में हम यहाँ इसे डाल देंगे और इसे टाइट कर देंगे। आप बहुत गौर से बहुत ध्यान से इसे समझ लो तो आपको फिर बार बार देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसका आप बेसिक समझ लो कि बराबर ये हमारा, हमने L में से L जो 3-पिन सॉकेट में जो L लिखा है L में से हमने ले के बटन के ऊपर वाले में हमने ये डाल दिया, अटैच कर दिया। ओके, ये हमारा हो गया भाई। इसमें सिंपल इतना ही है और कुछ नहीं है ज़्यादा। अब सिंपल सा फंडा एक ये रह गया है कि ये जो आप ये, जैसे कि हमने ये अपना दो लाइन है, इसमें एक एक लाइन रहेगा फेस जिसमें आता है, जिसमें लाइट दिखाती है और एक में लाइट नहीं दिखाती, जिसमें लाइट दिखा रही है हमको, तो ये बहुत ये ज़रूरी है समझना। वरना हम क्या करते हैं, कोई भी किस में डाल देते हैं ना, पर जब हम वायरिंग है, वायरमैन जो रियल में जो वायरमैन होता है ना, वो क्या करता है, ये जो बटन है ना स्विच जिसमें लाइट आती है, हम इसको इसमें डाल देंगे। ठीक है, जैसे कि जिसमें लाइन आती है ये हम खोले, हमने इसको इसमें एक कनेक्शन डाल दिया लाइट जिसमें आती है, बराबर, ये हमारा हो गया। तो ये सिंपल है, मैं वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो इसके लिए मैं फटाफट आप लोगों को करके दिखा देता हूँ। ठीक है, ओके, ये हमने जिसमें लाइट दिखाता है उसमें हमने लगा लिया है। अब दूसरा जो न्यूट्रल है, न्यूट्रल को हम सिंपली एन जो है ना, ये एन हम इसमें डाल देंगे। ठीक है, तो ये हमारा बोर्ड तैयार हो जाएगा। तो मैं इसे ढीला कर लेता हूँ, आपको एकदम आसानी से बता देता हूँ ताकि आपको कंफ्यूज होने की ज़रूरत ना पड़े बिल्कुल भी। तो हम ये इससे डाल लिए, ठीक है, अभी ये हमारा हो गया न्यूट्रल। तो ये हमारी न्यूट्रल थे जिसमें लाइट नहीं दिखाती है, हम टेस्टर लगाते हैं लाइट नहीं दिखाती है, उसको हमें एन लिखा रहता है, सिंपली उसमें न्यूट्रल में डाल दिए। अब ये लाइन वाली जो तार है जिसमें लाइट दिखाती है, हम उसको बटन में लगा दिए। अब जब हम इसका जब बटन ऑन करेंगे ना, तो ये बटन में से आप इसमें से क्रॉस करके इसमें जाएगा और इसमें से होते हुए यहाँ पे आ जाएगा, मतलब कि न्यूट्रल पहले से ऑलरेडी स्विच में रहता है। बटन हम इसका बंद ही कर देते हैं बोर्ड का, तो अभी इसमें न्यूट्रल हमेशा रहती है। ठीक है, सिर्फ लाइन आई कि फैन या लाइट चालू, जैसे हम यहाँ से बटन दबाए ये पावर यहाँ से सप्लाई होके आ जाता है फेस इसमें। ठीक है, तो याद ये हमेशा ध्यान ये रखें कि जो लाइट दिखाती है वो हमेशा बटन में रखें, इसमें ना रखें, वरना क्या होगा, हम यहाँ से बटन बंद कर देंगे तो भी इसमें मैन जो है ना वो लाइट रहेगी। तो हमारा मैन यही समझना है ना कि हमेशा हमें लाइन वाला जिसमें लाइट आती है वो हमें बटन में रखना है। ओके, तो हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।